हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि अपने प्लांट्स को कैसे घना किया जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग प्लांट्स को ले आते हैं और वो बहुत अजीब से बढ़ते चले जाते हैं लंबाई में, तो क्या होता है कि वो नीचे से घने नहीं होते और हमें अच्छे नहीं लगते। तो हमें क्या करना है कि उनमें ढेर सारी पत्तियाँ, जैसे वो जो भी फॉलेज प्लांट हैं उनमें बहुत सारी पत्तियाँ हमें चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, देखिए हम कर सकते हैं दो काम, या तो हम उनकी प्रूनिंग कर दें या फिर पिंचिंग कर दें। तो जो भी हम कर रहे हैं, बारिश के मौसम में हम कुछ भी कर सकते हैं अपने प्लांट्स के साथ, वो खुश ही रहते हैं। देखिए अगर आप चाहें तो प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग का जो राइट टाइम होता है वो यही होता है। इस समय आप किसी भी प्लांट की कितनी भी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, वो खुश रहता है, क्योंकि बारिश का मौसम प्लांट्स का फेवरेट मौसम है। तो अब हम देखिए, मैं आपको अपना प्लांट दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरे तुलसी का प्लांट है, ये है तो वैसे घना पर मैं इसे और बुशी चाहती हूँ। और ये देखिए मेरा कोलियस लंबाई में बढ़ गया है, पर मुझे इसे घना करना है। ये देखिए, तो मुझे क्या करना होगा, आज बात करेंगे हम लोग इसी बारे में। तो जो हमारा प्लांट है, ये देखिए जो हमारा ये तुलसी का पौधा है, इसको हमें क्या करना है, ये देखिए इसको हमें इसकी कर देनी है हमें प्रूनिंग। जैसे ये प्लांट देखिए आगे आगे लड़ रही है ना, मैं इसको ना यहाँ से कट कर दूँगी, प्रून कर दूँगी। ये देखिए, और भी जितनी सारी बड़ी ब्रांचेज हैं जिनको मुझे नहीं चाहिए। और आप जब भी कोई ब्रांच कट करें, उसको जहाँ से दो लीव्स निकल रही हैं वहाँ से कट करें, क्योंकि नई ब्रांचेज जो निकलेंगी वहीं से निकलेंगी, तो प्लांट हमारा देखने में थोड़ा ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा। ये देखिए इस तरीके से आप इनकी कर लीजिए प्रूनिंग। ये देखिए, और अब क्या करना है, इनको फेंकना नहीं है, इनको धो के रख लेना है अपने किचन में, या फिर जब हम चाय बनाते हैं उस चाय में हम इनका यूज़ करेंगे, क्योंकि आजकल हमें ह्यूमिडिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये हो गया हमारा तुलसी। अब बात करते हैं इस कोलियस की। ये जो हमारा कोलियस का प्लांट है, मैं वर्ड खा रहा हूँ, ये देखिए ये मेरा कोलियस का प्लांट है। ये देखिए कितना लंबा हो गया था, ये देखिए इतना लंबा हो गया था। अब इतने लंबे प्लांट की हमें कोई ज़रूरत तो है नहीं, और वो भी कोलियस वो नीचे बुशी सा जब होता है तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो मैंने क्या कर लिया, ये देखिए मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया। ये देखिए इसकी यहाँ ब्रांच थी, इसको मैंने यहाँ से इसको प्रून कर दिया है। ये भी ऐसे लंबा सा दिख रहा था और पत्तियाँ बिल्कुल नहीं थी, इसमें दूर दूर सी पत्तियाँ थी, वो अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया है। और इसको मैंने क्यों छोड़ा है, इसमें आ रहे हैं फ्लावर्स और इन फ्लावर्स की मुझे है नीड। इन फ्लावर्स को मैं क्या करूँगी, जब इसमें सीड्स बन जाएंगे तो इस बार मैं ग्रो करूँगी कोलियस को सीड्स से, तब मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए इसकी मैंने प्रूनिंग की थी पहले, तो इसकी दो ब्रांचेस यहाँ से निकल रही हैं। ये देखिए, ये देखिए इसके बाद मैंने इसको दोबारा से, ये देखिए तो इसको मैंने दोबारा से कर दिया है, तो अब ये फिर से घना हो जाएगा। इस तरह हमें बार बार करते रहना है। इसी तरह मेरा दूसरा भी प्लांट है, ये कोलिया से इसकी मैंने बहुत हार्ड प्रूनिंग कर दी है, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसकी ब्रांचेस तो इतनी लगी सी हो गई थी कि ये देखिए इस तरीके से ये टेढ़ा मेढ़ा बढ़ रहा था। अब मैंने इसको कर दिया है प्रून, ये देखिए, और प्रून वहीं से किया है जहाँ से इन दो ब्रांचेस दो लीव्स निकल रही थी। ये देखिए प्रूनिंग वहीं से कीजिए। अब आते हैं जेड, जेड प्लांट। ये देखिए ये जेड है, ये इसने बहुत अच्छे से ग्रो किया है, पर ये इसकी कुछ ब्रांचेस ऊपर जा रही हैं जिन्हें मुझे नीड नहीं है। तो मैं क्या लूँ, क्या करूँगी, मैं लूँगी अपना एक कटर या एक, आप जो भी कटर या प्रूनर यूज़ करें उसको सेंटीसेप्टिक से पहले क्लीन कीजिएगा, मैं बार बार ये बात कहती हूँ। ये देखिए जैसे ये ऊपर ये ब्रांचेस जा रही हैं, इनकी मुझे नीड नहीं है, तो क्या करूँगी मैं इसको कट कर दूँगी यहाँ से। ये देखिए ये कट कर दिया। इस तरीके से इस पूरे प्लांट को आप जैसे चाहें वैसे शेप में आप इसको कट कर सकते हैं। ये देखिए इसको मैंने यहाँ यहाँ से पूरा कट कर दिया है, और ये बचा है वैसा। तो इस तरीके से कट करके आप भी अपने प्लांट्स को घना कर सकते हैं। चलिए तुलसी को तो हमने यूज़ कर लिया है, अब क्या करेंगे हम इनको क्रासुला और ये कोलियस को, इनको भी हम कटिंग से ग्रो कर लेंगे। ये इनको बिल्कुल फेंकेगा नहीं आपकी, इनको बस प्रून किया और फेंक दिया। इनकी आप देखिए इस तरीके से आप इनकी लीव्स को हटा दीजिए यहाँ से, नीचे की दो लीव्स हटा दीजिए, और इसको इतना सा मिट्टी में आप लगा दीजिए, कोलियस बहुत जल्दी लग जाता है। और इसी तरह आपको करना है जेड के साथ भी, इस तरीके से आप नीचे की लीव्स को हटा दीजिए, इस तरीके से हटा करके आप इसको भी मिट्टी में लगा दीजिए, इसकी छोटी सी छोटी कटिंग भी लग जाती है। इस तरीके से इनको कटिंग, इन कटिंग को लगाकर छाया में रखिएगा,
उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।